ओके, गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम मटेरिया मेडिकल सीरीज की सांगली कड़ी में आज हम एक ड्रग है एब्रोटेनम, एब्रोटेनम के करेक्टरिस्टिक इंडिकेशन जानने की कोशिश करेंगे कि हम एब्रोटेनम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है साउदर्न वुड, या लेडी लव के नाम से भी जानते हैं इसको। ये कंपोजिटिव फैमिली की मेडिसिन है। जब हम स्पेशली फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर इसका फैमिली का सेंसेशन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। एब्रोटेनम बिलोंग्स टू द कंपोजिटिव फैमिली। इसकी जो मेडिसिन बेसिकली प्रिपेयर की जाती है उसमें फ्रेश लीव्स एंड स्टेम का यूज होता है। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर मारास्मस इन चिल्ड्रन। ये सूखा रोग की सबसे अच्छी दवाई होती है, बच्चों में सूखा रोग की सबसे अच्छी दवाई होती है, वो भी स्पेशली जब सूखा रोग नीचे के हिस्से में स्टार्ट हो, लोअर लिम्ब से स्टार्ट हो, पैरों से स्टार्ट, एंड रूमेटिज्म और स्पेशली कॉज्ड बाई चेक डायरिया एंड अदर सिक्रीशंस। जब डायरिया या दूसरे तरह के सिक्रीशंस को दूसरे तरह के मेडिकेशन से सप्रेस किया जाता है, चेक किया जाता है, अचानक बंद किया जाता है, उसके बाद जो तकलीफें स्टार्ट होती हैं उसमें इसका बहुत अच्छा। इसमें मसल्स की प्रोग्रेसिव एट्रॉफी होती रहती है इन स्पाइट ऑफ गुड डाइट, इन स्पाइट ऑफ रेवनस एपेटाइट। बच्चा खाता बहुत है और अच्छा खाने के बावजूद भी वो दुबला होता चला जाता। पेशेंट्स ऑलवेज सफर फ्रॉम अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल में जनरली इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो क्लिनिकल में इन क्लिनिक जैसे जनरली एंजियोमा ऑफ फेस, एनीमिया, गैस्ट्रालजिया, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, माल न्यूट्रिशन, मारास्मस इन चिल्ड्रेन स्पेशली सूखा रोग जिसको बोलते हैं ड्यू टू द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण जो होता है, नर्वसनेस, प्लूरिसी, लाइंटेरिक स्टूल, पेरिटोनाइटिस एंड हाइड्रोसी इन चिल्ड्रेन। जनरली कहाँ कहाँ इंडिकेशन इसका देखा गया है, तो एब्राटोनम हैज वेरी गुड एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सीरस मेम्ब्रेन, फाइब्रस टिश्यू एंड माइंड में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखा गया है। यदि इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो इट्स एक्ट ऑन द हिपेटोबिलियरी सिस्टम एंड डिस्टर्ब द डाइजेशन, इम्पेयर द न्यूट्रिशन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, रिजल्टिंग प्रोग्रेसिव इमेशिएशन ऑफ द लोअर लिम्ब। इट अफेक्ट्स इन द फाइब्रस टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस रूमेटिक कंडीशंस एंड गाउटी मैनिफेस्टेशन। यदि इसका मेंटल स्टेट देखें तो इजिली इरिटेबल, फटीग, नो कैपेसिटी टू थिंक ड्यू टू वीकनेस, इसको सोचने समझने का जो है तो बिल्कुल क्षमता नहीं रहता इसके अंदर, ड्यू टू वीकनेस, ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। ये हमेशा सोचता रहता है कि मेरा ब्रेन शार्प्ट हो रहा है, जैसे इनसेफेलोमाइलेशिया में होता है, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट शार्पनिंग ऑफ ब्रेन, लॉस इन कम्प्रीहेंशन, है ना, कम्प्रीहेंशन इसका जो है बहुत पुअर रहता है, इनह्यूमन टाइप का होता है, ऑलवेज वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, जैसे कहीं पर कोई जानवर है तो उसको मार देगा, तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये इनह्यूमन टाइप का होता है, डिप्रेस्ड एंड सैड। और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो एब्राटोनम मेडिसिन के बारे में इंडिकेट करते हैं, तो जैसे पहला सिम्टम्स हमने बताया है जो रेड लाइन सिम्टम्स है कि मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ एब्राटोनम इज इमेशिएशन स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीम विथ इंटेंस इनडाइजेशन एंड मॉर्बिड एपेटाइट, है ना, इसको पचता नहीं है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाना ये बहुत खाता है, बार बार खाता है, लेकिन इसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, है ना, जैसा जैसे खाता है वैसे का वैसा स्टूल में निकल जाता है, लाइंटेरिक स्टूल रहता है इसका, मतलब स्टूल कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट, रेवनस एपेटाइट रहेगी इसकी, लूजेज फ्लैश व्हाइल लिविंग वेल, अच्छे से रह रहा होता है, खा रहा होता है, इसके बाद भी दुबला होता चला जाता है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, ट्यूबरकुलाइन है, नाइट्रामियोर है, सेनेकुला है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। तो ये इसका सबसे मेन सिम्टम्स है, लूजेज फ्लैश व्हाइल लिविंग वेल। एक सबसे अच्छा सिम्टम्स है इसका मेटास्टेसिस ऑफ स्टेट्स एंड सिम्टम। मेटास्टेसिस का मतलब कैंसर से ही नहीं होता है, मेटास्टेसिस मतलब सिम्टम्स का एक स्थान से दूसरे स्थान में माइग्रेट करना, तो इसकी मेंटल स्टेट का भी मेटास्टेसिस होता है और फिजिकल सिम्टम्स का भी मेटास्टेसिस होता है। वन सिम्टम्स अपीयर एंड अदर सिम्टम्स डिसअपीयर लाइक दिस, जैसे रोमैटिक फीवर फॉलोड बाई टॉन्सिलाइटिस उदाहरण के लिए, और दूसरे तरीके से इसे समझ सकते हैं, अल्टरनेट डायरिया एंड रोमैटिज्म, तो यू कैन से मेटास्टेटिक रोमैटिज्म। मेटा इन होम्योपैथी तो मेटास्टेसिस इज एन आइडिया विच डज नॉट लिमिटेड एट ओनली कैंसर। मेटास्टेसिस का मतलब होता है सिम्टम्स का एक स्थान से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ये एब्राटोनम के करेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है। यदि इस तरीके से बच्चा लीन, थिन, विथ गुड एपेटाइट, वीकनेस स्पेशली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, वीक नेक, है ना, नॉट एबल टू होल्ड अप द हेड, स्पेशली एक सेंसेशन है एज इफ द स्टमक इज स्विमिंग इन द वाटर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एब्राटोनम का, इसमें मुश्किल से एक या दो ही दवाई है। अच्छा, इसके क्या इंपॉर्टेंट रूब्रिक हैं जो जनरली हम डे टू डे डेली प्रैक्टिस में देखते हैं? तो पहला रूब्रिक से माइंड में ब्रूटैलिटी, क्रुएलिटी एंड इनह्यूमैनिटी है ना, उसमें एब्राटोनम इंडिकेटेड है। दूसरा है डिल्यूजन इमेजिनेशन ब्रेन माइंड में देखेंगे, डिल्यूजन इमेजिनेशन ब्रेन शार्पनिंग हैज, उसमें एब्राटोनम इंडिकेटेड है। नेक्स्ट रूब्रिक फियर ब्रेन ऑफ शार्पनिंग ऑफ है ना, फियर में देखेंगे तो वहां भी शार्पनिंग ऑफ ब्रेन का जो है तो इशू है। वायलेंस वेहिमेंस एक रूब्रिक है, वायलेंस वेहिमेंस वहां एब्राटोनम इंडिकेटेड है। मैलिशियस चिल्ड्रन में एब्राटोनम इंडिकेटेड है। स्टमक चैप्टर में जाएंगे फ्लोटिंग इन द वाटर एजीव में एब्राटोनम शायद एक या दो ही मेडिसिन है जिसमें एब्राटोनम बोल्ड लेटर में अंडरलाइंड है, टॉप इंडिकेटेड रेमेडी है। स्टमक एजीव द फ्लोटिंग इन द वाटर। और एक एब्राटोनम का हाईली इंडिकेटेड सिम्टम्स है वीकनेस जनरली इन्फ्लुएंजा आफ्टर है ना, तो जनरलिटी चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे वीकनेस अंडर दैट इन्फ्लुएंजा आफ्टर एब्राटोनम इज ए टॉप रेमेडी अंडर दैट रूब्रिक। तो इफ यू फाइंड ऑल दीज सिम्टम्स अलॉन्ग विद दिस रूब्रिक यू कैन यूज एब्राटोनम विथ वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।